हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही बेटा? तो बच्चों, हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं। देखो बेटा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। मैंने बताया था कि अगर वाई के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एफ में हूँ तो फिर हमें यूलर्स पॉइजन इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो बेटा पिछले सारे वीडियो देखिए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक बेटा नीचे दिया गया है, उस पर जाइए और पुराने सारे वीडियोस आप इसके देख लीजिए। आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपकी लाइफ मस्त हो जाएगी, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। क्योंकि जब मैथ्स में समझ में आने लगता है तो बच्चा अपने आप में खुश होने लगता है। तो आज बेटा हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसका एक और अच्छा एग्जाम्पल कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल करा देता हूँ, इतने क्वेश्चन में करा देता हूँ, किसी भी बुक आपको किसी भी नोट्स या किसी भी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, है ना। सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से अगर आप मेरे सारे वीडियो पढ़ लेंगे, उसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे तब। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, आज मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कराता हूँ। देखो क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके से है कि हमसे कहा गया कि फाइंड एक्सट्रीमल एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल, है ना। देखो मैंने बताया था इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको फंक्शनल दिया जाता है। अच्छा चला गया ऊपर, अच्छा ऊपर चला गया, देख नहीं रहा, कोई बात नहीं। क्या लिखा है मैंने, फाइंड एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल ये लिखा है। और देखो मेन जो फंक्शन लिखने वाला हूँ वो देखो नीचे है, ये अपना मेन फंक्शन है आई ऑफ वाई ऑफ एक्स, ये है इंटीग्रल एक्स नॉट से लेकर के एक्स वन और टू एक्स वाई और प्लस y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पर डी एक्स दिया गया है, ये हमें फंक्शनल दिया गया। फंक्शनल का मतलब ये हुआ कि भाई जो इंटीग्रेशन जिसकी हमें वैल्यूज मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी होती है उसी को बेटा हम लोग फंक्शनल कहते हैं। तो ये हमारा फंक्शनल है। अब देखो यहाँ पर जैसे जनरली क्या होता था, जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई एक्स होता था, वाई होता था, वाई डैश होता था, यहाँ देखो वाई ट्रिपल डैश तक है। y ट्रिपल डैश का मतलब ये हुआ कि y का तीसरा डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव भी यहाँ पर है। देखो इसके लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मैंने बताया था नेसेसरी कंडीशन जो निकालते हैं, और हमको निकालना क्या है, एक्सट्रीमल निकालना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है इस फंक्शनल के लिए, जिससे कि ये फंक्शनल मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो पाए। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, जो हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है, देखो नेसेसरी कंडीशन ध्यान रखना, ये बार बार मैं लिखता हूं इसीलिए जिससे आपको याद रहे कि ये नेसेसरी कंडीशन होती है। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन देखो मतलब यहां से जो वाई मिलता है वो ये बताता है कि इस वाई पर आपका जो फंक्शनल है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो सकता है। कंफर्म नहीं है क्या होगा, कंफर्म कब होगा ये हम लोग आगे चल के वीडियोज में पढ़ेंगे, परेशान मत होइए, सब मैं पढ़ाऊंगा। देखो अब इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, तो हमको भी देखो जो यहां पर कंडीशन लिखनी है, देखो वो कैसे लिखनी है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और इसके बाद देखो आएगा अपना प्लस, है ना, प्लस माइनस फिर प्लस आएगा डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश, फिर देखो माइनस डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू जीरो। ये मैंने बताया था आपको जैसे चलता है, प्लस माइनस इस प्रकार देखो यहां पर चीज चलता है, तीसरा डेरिवेटिव है तभी हम यहां तक गए हैं, ये मैंने बताया था आपको, है ना। अगर सेकंड डेरिवेटिव होता तो यहां तक आते, अगर केवल फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो यहां तक लिखते हैं, है ना, और अगर कोई डेरिवेटिव नहीं होता तो केवल ये लिखते हैं जो आप करते थे डी बाई डी एक्स बराबर जीरो, वही तो होता था जो ये है, है ना। तो ये चीजें बच्चों यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर लिखी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, देखो अंदर वाई डैश है तो बाहर भी डी बाई डी एक्स है, अंदर वाई डबल डैश है तो बाहर भी डबल डेरीवेटिव है, अंदर वाई ट्रिपल डैश है तो बाहर भी थर्ड डेरीवेटिव है। देखो ये अपना एफ है, एफ क्या है, देखो ये जो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कुछ होता है ये सब अपना f होता है, इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कुछ है ये सब अपना f है।
तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, डेल एफ अपॉन डेल वाई चाहिए, रिस्पेक्ट टू वाई करना है डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब एक्स हुआ, एक्स के अलावा वाई डैश हुआ, वाई डबल डैश हुआ, ट्रिपल डैश हुआ, ये सब कॉन्स्टेंट होंगे, तो रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो यहाँ टू एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, वाई का वन इसका जीरो हो गया, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करना, वाई डैश का तो कोई टर्म ही नहीं है, सब कॉन्स्टेंट है, तो जीरो हो गया। डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश करना है तो ये भी जीरो हो गया। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई ट्रिपल डैश करना है तो ट्रिपल डैश का एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा टू वाई ट्रिपल डैश, ऐसे देखो यहां पर ये हो जाएगा, ठीक बात है। देखो इस सब की वैल्यू यहां रखो, ये क्या हो गया टू एक्स हो गया, ये डी वाई डी एक्स हो गया, ये क्या हो गया ये जीरो हो गया, ये देखो डबल डेरिवेटिव है यहां पर, और ये क्या हो गया ये भी जीरो हो गया, ये देखो ट्रिपल डेरिवेटिव यहां पर है, और ये क्या हो गया टू वाई डबल ट्रिपल डैश हो गया, बराबर जीरो हो गया। देखो टू कॉमन लेके हटा देंगे, ये टर्म तो वैसे भी जीरो हो गया, तो क्या बचेगा एक्स माइनस टू कॉमन लेके हटा देंगे, तो ये हो गया ट्रिपल डेरिवेटिव और वाई ट्रिपल डैश बराबर जीरो। देखो वाई ट्रिपल डैश का मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव, और ये ट्रिपल बाहर और है, तो कुल मिला के सिक्स डेरिवेटिव हो गया, तो एक्स माइनस डी सिक्स वाई अपॉन डी एक्स की पावर सिक्स बराबर जीरो। अब हमें यहां से y चाहिए, तो जनरली क्या होता है ये सवाल एक डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होता है, अब यहां से हमको y चाहिए, तो देखो एक प्रकार की ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। देखो जनरली वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज होती है, जिसका लिंक नीचे मैंने दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे, दो दो वीडियो हैं उसके, दोनों वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, हालांकि वो पीजीटी मैथ्स की एक प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियो है, है ना। तो बच्चों ध्यान दो यहाँ पर कि इस, अब देखो ये अब हम उस कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट से नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर केवल डी सिक्स है और डी का कोई टर्म तो है नहीं। तो देखो इसका आसान तरीका है कि इसको भाई आपको वाई चाहिए तो इसको छह बार इंटीग्रेट कर दो, वाई निकल आएगा, बात समझे ना भाई। देखो एक बार इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, इधर डी फाइव वाई अपॉन डी एक्स फाइव बचेगा, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी वन बचेगा, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो इधर डी फोर आएगा, एक और कम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा एक्स क्यूब बाई थ्री, तो बच जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू टू, तो उसको थ्री फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा सी वन एक्स इसका इंटीग्रेशन, और एक और कॉन्स्टेंट सी टू हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा, देखो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स फोर अपॉन फोर आएगा, तो ये फोर फैक्टोरियल बन जाएगा, तो एक्स फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, और ये हो गया सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन हो गया सी टू एक्स, और प्लस एक कॉन्स्टेंट और हो गया सी थ्री, है ना। तो हमें इसको जब तक इंटीग्रेट करना तब तक वाई ना आए, क्योंकि छह डेरिवेटिव है तो हमें छह बार इंटीग्रेट करना होगा। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, तो क्या बचेगा x की पावर 5 अपॉन 5, तो x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहां पर देखो ये हो जाएगा c1 और x क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 इंटू 2 यानी कि 6, और यहां पर हो जाएगा c2 x स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा c3 x और प्लस c4 हो जाएगा। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो d बाई डी एक्स आएगा, तो क्या हो जाएगा देखो x की पावर 6 अपॉन 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो वो 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं उसको। ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा x की पावर 4 बाई 4, तो x की पावर 4 बाई 24, और ये हो जाएगा c2 x क्यूब बाई 3, तो हो जाएगा x क्यूब बाई 6, और ये हो जाएगा c3 x स्क्वायर बाई 2 और c4 x प्लस c5 हो गया। फिर एक बार और लास्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो y मिलेगा, देखो y क्या मिलेगा, ये x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा c1 x की पावर 5 और 24 नीचे है तो 24 इंटू 5 हो जाएगा, और हो जाएगा c2 x की पावर 4 बाई 4 इंटू 6 तो 24 हो गया, फिर हो जाएगा c3 और हो जाएगा x की पावर 3 बाई 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, फिर बन जाएगा c4 x स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया c5 x और प्लस c6। तो ऐसे करके बच्चों हमें देखो यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी, छह बार इंटीग्रेट करना है, क्योंकि देखो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बार बार इंटीग्रेट करके ही सॉल्व होती है, थोड़ा सा कट गया है शायद, कोई बात नहीं, इतना आप समझ लोगे,
इतना तो आप जानते ही हो यार, इतना तो आपको आता है यार, इतना तो कर लोगे भाई, इतना कटने पिटने की चिंता नहीं की जाती इस लेवल पर। इस लेवल पर यह कहा जाता है कि चलो भाई इतना तो आ गया, अब इसके बाद क्या बचा है, मेरा छोटा भाई भी कर लेगा इसके बाद। तो आपके छोटे भाई 11th 12th में होंगे ना, वो भी इसको कर लेंगे, छोटा भाई छोटा बहन कोई भी होगा, इसके बाद तो वो भी जानते हैं कैसे इंटीग्रेट करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमें, अच्छा एक बात और समझो, जैसे देखो यहाँ पर C1/24 है, इसको लेकर हम एक नया कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। C2/6 है, इसको लेकर एक नया कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, है ना। तो मतलब दो कॉन्स्टेंट को मिला करके जरूरत पड़ने पर आप नया कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, ये बात ध्यान देना भाई। C1 भी कॉन्स्टेंट है, 24 भी कॉन्स्टेंट है, तो C1/24 एक नया कॉन्स्टेंट हो गया, C2/6 एक नया कॉन्स्टेंट हो गया, C3/2 एक नया कॉन्स्टेंट हो गया, C4 तो है ही, C5 है ना। फिर आगे देखो यहाँ पर C6। तो इस तरीके से बच्चों हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर देखो है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बेटा हम क्वेश्चन को कर नहीं सकते, इस बात को समझो। तो हमें इसमें एक्सट्रीमल निकालने होते हैं, क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे होते हैं, इसलिए मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में एक क्वेश्चन कवर हो, और आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी, आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो में हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, टेंशन नहीं पालना, मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद, बाय बाय।